हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। पॉपुलर टीवी एक्टर करण ओब्रॉय, जिन्हें आपने कई सालों पहले सीरियल जस्सी जैसी कोई नहीं में देखा होगा। इस शो में टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह लीड रोल में थी। उस वक्त ये शो लोगों के बीच काफी पॉपुलर था और इस बार शो के एक्टर करण ओब्रॉय सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन वजह चौंकाने वाली है। खबरों की माने तो करण ओब्रॉय पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जो कि पेशे से एक ज्योतिषी है। रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल करण जेल की सलाखों के पीछे हैं और पुलिस का कहना है कि करण ने पीड़ित महिला को शादी का झांसा देकर रेप किया था। साथ ही पूरी घटना को रिकॉर्ड करके महिला को वीडियो रिलीज करने की धमकी भी दी। यहां तक कि उस महिला से करण ने पैसे की भी मांग की। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट करके दी है। खबरों की माने तो करण को धारा 376 और 384 के तहत गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिलहाल इस खबर को सुनने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि सीरियल स्वाभिमान के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले करण ओब्रॉय ने जितनी तेजी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, उतनी ही तेजी से वो लोगों की नजरों से उतर गए। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर करण कैसे रिएक्ट करते हैं और ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। वेल, तो अब इस मामले से जुड़ी और खबरें आनी बाकी है। चौदहवीं के चांद का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज मतलब एक तो ये था कि इट्स सच अ क्लासिक ब्यूटीफुल सॉन्ग और मुझे मेरा खास खुद मेरा मुझे बहुत लगाव इस गाने से, बहुत खूबसूरत गाना है और एक बहुत बड़ा क्लासिक है। तो पहले एक डर था कि यार एक ऐसे गाने को अटेम्प्ट कर रहे हो आप जिसको लोगों ने इतना पसंद किया है इतने सालों से। बट क्या होता है ना, एज ए म्यूजिशियन आपका मन होता है कि आप वो गाना इसलिए गाएं बिकॉज वो आपको पसंद है। पब्लिक की पसंद को आप मतलब बाद में सोचते हैं, पहले ये सोचते हैं कि आप मेरे लिए वर्क करना चाहिए, कि मेरे को गाते हुए मज़ा आना चाहिए। तो मेरा एक बैंड है सोनो, उसका नाम है, तो लाइव बैंड है, तो उनके साथ हमने मिलकर थोड़ा जैम किया। फिर इसके बारे में जब गाना बन गया तो फिर हम उसके आगे बढ़े कि यार अब इसका वीडियो किस तरह का होना चाहिए, और उस पर जब थोड़ी कोशिश की तो हमने बोला यार एक इतने बड़े क्लासिक गाने को अगर आप आज की तारीख में, आज के दौर में उसको अडेप्ट करेंगे तो उसका कलर किस तरह का होना चाहिए और किस तरह की ऑडियंसेस आज की तरह हैं, 2017 में किस तरह की ऑडियंस है, तो उसको लेकर मैंने कहानी लिखी। कहानी का बेसिकली सारांश ये था कि एक ऑल्टर ईगो की जो बात होती है कि जो आप किसी को पर्दे पे देखते हैं आपको लगता है ये बहुत बड़ा स्टड है, ये बहुत बड़ा स्टंटमैन है या बहुत बड़ा सुपरमैन है, लेकिन वो असल ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। तो वो एक बेसिक एक फ़ैन की एक कहानी है, जो एक फ़ैन एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक आदमी को देखती है जिसको उसने बैंडो बॉयज से फॉलो किया है और उसको अब वो एक मूवी स्टार बन गया है और वो उसके ऑब्जेक्ट ऑफ फैंटेसी है कि यार मैं काश मैं इसके साथ होती और मैं उसके साथ मतलब दिस इज़ हाउ आई सी हिम। और जब वो शूटिंग पे पहुंच जाती है, उसके बाद जब ख़त्म होता है तो उसको लगता है कि यार ये आदमी जब मेकअप रूम में इसको देखती है तो यार तो बहुत ही शरीफ था, साफ़ सुथरा और मतलब सिंपल आदमी है। तो वो जगह एक कोने में बैठती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है, बोलती है कि मेरी फैंटेसी की ज़िंदगी में जिस तरह का ये आदमी है मिलने काफ़ी है। तो ये एक सोच थी, एक जो सुर हमने पकड़ा था। बहरहाल इस गाने को हमने लाइव किया है परसों शाम को 6 बजे, यूट्यूब पर डाल दिया था लेकिन उसको हमने प्रमोट नहीं किया था। परसों 6 बजे हमने इसको फेसबुक पर डाला है और कल शाम के 6 बजे तक वी हैड हिट अबाउट 500,000 व्यूज़। तो उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यार एक जो यंगर ऑडियंस है वो पुराने गानों को काफ़ी एक्सेप्ट करती है, दे लाइक। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं वो जो पीस टू कैमराज होते हैं ना, कि आप गिटार पे बैठ के साथ बैठे और आपने गा दिया, वो बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन 90s का और अर्ली 2000 का एक दशक था जहाँ पर एक कहानियाँ बनती थी प्रॉपर और उनमें बहुत सारी प्रोडक्शन वैल्यू होती थी, खर्चा होता था, उस चीज़ को लोग फॉलो करते थे। तो वो मैं चाहता था कि आने वाले जो वीडियोस हैं वो उस तरह से एक जी जी जो स्क्रीन पे देखा काफी रोमांस करते हुए नजर आ रहा है जी, वो जरा कुछ एक्सपीरियंस बताइए। आप एक ब्यूटीफुल गर्ल हैं और काफी अच्छा रोमांस भी चल रहा है, वेल वो खास करके लोगों को पसंद आ रहा है। बेसिकली हाँ, मेरे लिए इस तरह की कोशिश पहले मैंने कभी नहीं की है, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो मुझे मेरी फ्रेंड है वो मतलब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग हेड थी, तो उसने मुझे कहा कि करण आपकी एक तरह की छवि अभी तक बनने को आई है जो हमने देखा है, आप हमेशा गाय नेक्स्ट डोर और एक सिंपल आदमी की तरह आए हो, तो उस लिहाज से ये जो है आपको कुछ अपने आपको री इन्वेंट करना चाहिए, लोगों आपका एक और दूसरी छवि भी आपको देखने को मिली। तो वो कोशिश थी इस वीडियो के ज़रिए, मेरे लिए बहुत ही आसान नहीं था टू बी ऑनेस्ट विद यू। जो आप कंफर्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे वो सिर्फ स्क्रीन का कंफर्ट है, बट इनिशियली शूट करते समय में आई हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज़।
हाँ इंटीमेसी को लेकर कि यार ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जो मेरी फीमेल मॉडल है उसमें रैना अहलूवालिया, शी वॉज वेरी सपोर्टिव एंड शी सर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आई एम कम्फर्टेबल इन दिस स्पेस तो आप क्यों इतनी शर्म कर रहे हैं। तो वो उस तरह से था। एंड आई थिंक ओवरऑल जब बन के आया तो मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड्स को दिखाया, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा कोई भी वीडियो हो वो फीमेल्स को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार दिस इज़ नॉट ओके फॉर अस। उनको उसमें रोमांस नज़र आया, उनको उसमें सेंशुअलिटी नज़र आई, उसमें इरोटिसिज्म नज़र आया, तो उस लिहाज से आई एम वेरी हैप्पी। जी ये जो अंदाज आपका निकल के सामने आया है जी, ये कितना कंफर्टेबल है आपके लिए, तो आगे भी हम कंटिन्यू देखेंगे आपको इस? एक्चुअली मैं मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक बड़ी वो बोलते हैं ना कि दो तरह की तलवार है, एक हो सकता है कि आप इसी को अटेम्प्ट करें और इसी में घुस के रह जाएं, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये एक मेरा एक एसेट है, एक फैसेट है ऑफ लाइफ है कि मैं ये भी हो सकता हूँ, एक्टर हूँ मैं, मॉडल हूँ, सिंगर हूँ, लेकिन हर बार को मैं एक सेंसेशनलिज्म के लिए कोई काम करूँ तो आई डोंट हैव दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि यार जो भी गाना होगा उसकी एक उसके ऊपर एक कहानी बनेगी, वो कहानी में जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं शूट करूँगा। जैसे अभी आने वाला पल अगला जो वीडियो है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ उसमें अलग किस्म का रोमांस है, उसमें एक रोमांस है जहाँ पर दो लोग मिलते ही नहीं जी, तो वो भी एक इंटरप्रिटेशन है एक गाने की। तो जो गाना जिस क्रिएटिव से मैं प्रभावित होता हूँ कि यार ये मुझे विजुअल नज़र आता है, मैं उसके लिए आई वांट टू मेक श्योर कि उसको मैं जस्टिफाई करूँ। और ठीक है कि एस्पेक्ट है मेरी ज़िंदगी का कि मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, लोगों को देखने को मिलेगा, दैट्स इनफ फॉर मी। आने वाले हमने देखा कि मिलियंस हाफ ऑफ मिलियंस व्यूज आए हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, जब इस तरह का फैन का रिएक्शन होता है जी, तो क्या फील करते हैं आप एज एन ह्यूमन? नहीं देखिए हर एज एन हर एक्टर को ये चाहिए होता है कि यार लोग उसको उसके काम को पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको शेयर करें। जैसे अभी कुछ 500 लोगों ने शेयर किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ एक ऐसी उसकी कड़ी है जो पसंद आई है। हो सकता है गाना अच्छा लगा हो सकता है कहानी अच्छी लगी हो सकता है उसका इंटरप्रिटेशन अच्छा लगा हो, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, बोलते होंगे कि यार ये आप पुराने गाने को के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यूज़ आर ओके, पर्सपेक्टिव्स आर ओके, बिकॉज सोशल मीडिया अलाउ करता है आपको कि हर आदमी अपनी ओपिनियन को दुनिया के साथ एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सके। लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमारा ये कोशिश होती है कि मेरा गाना जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और लोग उस रीच उसकी बढ़े। तो मेरे लिए बहुत कमाल की वैलिडेशन है कि अगर 500,000 लोगों ने एक 24 घंटे के अंदर गाने को देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा रहा होगा। हो सकता है कि वो दे लाइक मी एज एन आर्टिस्ट, दे लाइक कि मैंने जो गाना गाया है या स्टोरी अच्छी लगी है, कुछ अच्छा लगा, सो इट्स ऑलवेज अ नाइस फीलिंग। क्योंकि आने वाले दिनों में आप कौन कौन से गाने को चूज करेंगे और कौन कौन से गाने? ये एक एल्बम है 15 गानों की, एल्बम का नाम है रेट्रॉनिका जी, और उसमें से दो गाने दो गाने आ चुके हैं, रात कली खाब में आई और ये आ चुका है। आने वाला पल अगला गाना है, उसके बाद है बड़े अच्छे लगते हैं। जो गाने पिछले 15-20 साल में या जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जिनके साथ मैं ग्रो अप किया हूँ, और मैं मुझे लगता है कि यार जो हमारी जो यंग पीढ़ी है द इंडिया विच इज़ वेरी वेरी यंग, शायद उन्होंने ज़्यादा ना सुने हो, तो मैं चाहता हूँ कि वो गाने मैं दोबारा से नई तरह से पेश करूँ। तो 15 गाने हैं एंड देर ऑल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड आई होप कि मुझे इस तरह का प्यार मिलता रहे आगे। हाँ अभी तो दो में तो 13 गाने और हैं, अभी 13 गाने हैं, बहुत सारे और भी हैं। टीवी पे मेरी वापसी है वो है, फिर एक मेरी फिल्म है स्ट्रॉबेरी पॉइंट। बहुत कुछ कहना चाहूँगा मैं रॉयल्टी को लेकर, मुझे ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने कभी एक ओपन लेटर लिखा है कुछ दिन पहले, जो मैंने शेयर भी किया है कुछ लोगों के साथ, अभी आई थिंक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने एक छापा मारा था अभी फिलहाल, अभी 3-4 दिन पहले या एक हफ्ता पहले, जितने बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूज़िक कंपनीज हैं, लेबल्स हैं, उनके खिलाफ। तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू इस बात को लेकर कि यार यू नो करप्शन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पर एक दशक आपने देखा है जहाँ पर हम ये बोलते थे कि यार अगर आपके पास 100 करोड़ है तो हम 100 करोड़ खा जाएंगे भले जनता जाए भाड़ में। म्यूज़िक कंपनीज़ का भी कुछ ऐसा ही अप्रोच रहा है आर्टिस्ट को लेकर। आप देखिए ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जहालत में मरे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे गाने बनाए, और गाना बनाना लिखना कंपोज करना एक आसान काम नहीं होता, इसके लिए आपको एक इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तो आप वो एक्सप्रेस करते हैं और हर आदमी नहीं लिख पाता। आपके उस टैलेंट का इस्तेमाल किया जाए, और जब भी आप कोई एक नया आदमी को ब्रेक देते हैं जिसने एक अच्छा गाना लिखा है, आप उसको पीनट्स देते हैं, आप उसको 15,000 रुपये देते हैं, 10,000 रुपये देते हैं, और आप ये उम्मीद करते हैं कि उसका गाना आपको करोड़ों कमा के दे और वो जहालत में मर जाए। ये बहुत ही गलत है, और इट्स हाई टाइम, मुझे तो ऐसा लगता है इन सबको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरी नई गाड़ी आ जाए और एक आदमी भूखा मर जाए, तो ये दिस इज़ एब्सोल्युटली अनफेयर। तो जितने लोग हैं जिन्होंने अपने आर्टिस्ट को उनका ड्यू नहीं दिया, दे शुड ऑल बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स। अरे आप कमाइए, कमाने के लिए आपको कौन मना कर रहा है यार? लेकिन ये कौन सा असूल है जहाँ पर आप बोलें कि जिसने
क्रिएट किया है। अभी अगर आप बाहर बैठे होते, अगर मेरे चार गाने आए हैं, मेरे चार बने बड़े बड़े हिट हैं पेंडो बॉयज़ के, आज तक मुझे एक पैसा रॉयल्टी नहीं मिली उसकी। मैंने जितने गाने लिखे हैं हमको ये बताया जाता है कि यार कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में। तो मैं कह रहा हूँ यार, अगर आप 100 करोड़ कमा रहे हो तो आप 50 लाख दे दो, कुछ तो दो। लेकिन आप किसी का हक का पैसा मार रहे हो और अपनी कंपनी को बड़ा कर रहे हो। 2500 करोड़ मैंने पढ़ा है, वो जो आर्टिकल आया रॉयल्टी, 2500 करोड़। और खाने की कितनी कैपेसिटी है आपकी यार, एट द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिस्ट, ऑफ ए लिरिसिस्ट, ऑफ अ कंपोजर जो किसी किराए के मकान में रह रहा है, इज इट ओके? इट्स नॉट ओके। सो येस, आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर इट। और इसके जो भी हमें करना चाहिए एज आर्टिस्ट, हमें जुट के करना चाहिए, एंड वी शुड गेट आर ड्यू। बाहर में क्या होता है, आप एक अच्छा गाना लिखते हो, आप सारी जिंदगी उसकी रॉयल्टी कमाते हो, एंड यू डोंट हैव टू अर्न फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज द मनी इज द सॉन्ग इज। हर जगह जहाँ पर गाना बजेगा उसके मुझे पैसे मिलने चाहिए। इवन हमने माइकल जैक्सन जो कि हमारी दुनिया में जी, वो भी अभी अब उनका पूरा खान, हाँ, उनका पूरा खानदान जो है पैसे, वो सारी जिंदगी उस पैसे पे जी सकता है जी। और यहाँ पर तो आप, मैंने देखा है जिन लोगों ने बड़े बड़े हिट दिए हैं वो आजकल, मैं बता रहा हूँ, बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है। जितना आप एक 5-star होटल में जाकर एक पार्टी देते हो, जितना आप खर्चा करते हो, उसके बेचारे पूरे साल की कमाई उतनी नहीं होती है। हाउ इज दैट फेयर? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि करण जी, क्योंकि आपका मुद्दा बहुत ही स्ट्रांग है तो जी, लेकिन ये लड़ाई जिनके खिलाफ है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इट डजंट मैटर। तो हम ऐसा माने कि आपका ये, आप कोर्ट तक जाएंगे या फिर आप बताएं? हम, मुझे देखिए, सबसे पहले तो मुझे सबको पहले, सबसे पहले पब्लिक को पता होना चाहिए कि आर्टिस्ट जो है अमूमन क्या होते हैं, जो आप, अगर आप दिल से लिखते हो और दिल से सोचते हो और आप क्रिएट करते हो तो आप भोले होते हो। एक अंदर एक सर्टन इनोसेंस होती है, वो इनोसेंस ही आपको एक अच्छा गाना लिखने की, एक अच्छा म्यूजिक कंपोज करने की, आपको एक अदा आती है जो होती है, राइटिंग स्किल होता है, वो उससे आता है। तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि उनके हक का पैसा है, कि उनको लगता है कि यार ये डिजिटल में डाल दिया इसका क्या कमाई है, लोग देख रहे हैं काफ़ी नहीं है। अगर कोई आदमी 5 करोड़ खर्चा करके ऋतिक रोशन को लेकर जाकर बाहर जाकर गाना शूट कर रहा है तो उसकी कमाई होगी ना, वो धंधे वाला आदमी है, वो पैसे कहीं से कमा रहा है, आपको पता नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि लोगों को पता रहना चाहिए। तभी मैंने जो लेटर शेयर किया है, मैं चाहता हूँ कि जितने आर्टिस्ट हैं उनको पता रहना चाहिए कि यार ये आपका हक है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट। उसके बाद वी ऑल हैव टू गेट टुगेदर एंड टेक ऑन द एस्टैब्लिशमेंट एंड टेल देम दैट यू कॉन्ट डू दिस एनी मोर, समबडी हैज़ टू डू दिस। सो यस, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है एंड आई लव द गवर्नमेंट फॉर ट्राइंग टू डू दिस। आई एम अ बिग फैन ऑफ द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू दिस। कहीं ना कहीं किसी ने कही, जावेद अख्तर साहब ने से पहली बार इसके बारे में बात की थी, जहाँ जिसकी वजह से कॉपीराइट लॉ चेंज हुआ है, उनकी जो मुहिम थी जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम, वी नीड स्टलवर्ट्स लाइक दैट टू कम इन फोर्स। सो ये है, अभी शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। इसके अलावा जो आपके अपकमिंग जो है स्ट्रॉबेरी पॉइंट जी, ये इसका क्या स्टेटस है अगर आपको बताना? फिल्म अभी अगले 5 दिन में रेडी हो जाएगी जी जी, एंड उसके बाद हम फेस्टिवल जा रहे हैं, गोवा फिल्म फेस्टिवल में। फिल्म इंडिया की पहली सिंगल कैरेक्टर फिल्म है, थ्रिलर है, एज ऑफ द सीट थ्रिलर, और बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में बनी है। सो विल बी रिलीज एज अ फॉरेन फिल्म, एज एन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म आउटसाइड द कंट्री, इज बैक बाय स्टूडियो। और उसके अलावा इंडिया में वी आर होपिंग टू रिलीज इट समटाइम नेक्स्ट ईयर। और या जी 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 जी, तो फिल्म लाइक आई सेड रेडी है, हम अभी इसका दोस्तों यारों को दिखाना शुरू करेंगे, फिर एक रिलीज प्लान बनाएंगे। आई थिंक अगले 3-4 महीने में पब्लिक को भी देखने को मिलेगी। मामी हमने मिस कर दिया बिकॉज, क्योंकि फिल्म रेडी नहीं थी, अभी सारे फेस्टिवल में जाएंगे क्योंकि फिल्म का स्पेस उस तरह का है कि इट अलाउज, मतलब फेस्टिवल के अंदर नेचुरली क्यूरेट होती है, बिकॉज इस तरह की फिल्में सिर्फ 14 हैं पूरी दुनिया में, ओनली 14 सच फिल्म इन द वर्ल्ड, और इंडिया की पहली सिंगल कैरेक्टर थ्रिलर है। तो ये हमें उम्मीद करते हैं कि यार एक नया कंटेंट बेस्ड सिनेमा है जिसको एक ऑडियंस मिलनी चाहिए, तो वही कोशिश है हमारी। इसके अलावा टीवी भी कुछ टीवी में जी, हाँ, करने वाले हैं, आप अगर कुछ हमें बता सके तो। अनाउंसमेंट हो चुकी है, मैं आई थिंक कुछ न्यूज़पेपर्स ने कवर भी किया है कि मैं टीवी में वापस आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं टीवी से कहीं चला गया था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल होता है कि यार जो भी कॉन्टेंट मैं करूँ उससे मैं खुश होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं नौकरी करनी होती या जॉब करनी होती तो मैं अच्छी खासी पढ़ाई, मेरी बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, तो किसी कहीं नौकरी कर रहा होता। अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मुझे दिल की खुशी नहीं मिलती, ऐसा जिसमें मैं बिलीव नहीं करता, तो मैं कर क्यों रहा हूँ? तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये जो मैं कर रहा हूँ सीरियल जो है गवाह करके उसका नाम है, बहुत ही कमाल की राइटिंग है, और एक मतलब जो कॉन्टेंट बोलते हैं जो मैं, ये किसी भी मीडियम में होते हैं, टीवी पे होता, वेब पे होता, जैसे इनसाइड एज मैंने किया, अच्छा कॉन्टेंट था, मुझे अच्छा लगा, उनकी अप्रोच करेक्ट थी, कॉन्टेंट करेक्ट था। तो दिस आई सेड, सो ऐसा नहीं कि मैं टीवी के खिलाफ हूँ,
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अच्छा या बुरा कंटेंट, वो मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अच्छा कंटेंट है, मैं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने किया है उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में आप मल्टी टैलेंटेड एक एक्टर में आप लिस्ट में आपका नाम, क्योंकि हम देखा इतना अच्छा एल्बम कर, हाँ, गाने करते हैं और फिल्म में भी आपकी आ रही है, शो भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में और क्या किन किन चीज़ों का शौक रखते हैं आप? मेरा शौक तो यही है एक्टिंग का, सिंगिंग का, राइटिंग का, म्यूजिक का, प्रोडक्शन का। प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी देखेंगे आपको? डायरेक्टर आप देखेंगे, जी जरूर देखेंगे, बट फिलहाल मेरा जो मेरी जो तवज्जो है वो प्रोडक्शन की तरफ है। जो स्ट्रॉबेरी पॉइंट है मेरी प्रोडक्शन ही है, एज ए को प्रोडक्शन। मेरे डायरेक्टर फ्रेंड हैं प्रबल बरू, उनके साथ हमने कंपनी स्टार्ट की है, तो ये हमारी पहली प्रोडक्शन है। तो यस, मैं इस फील्ड के अंदर ही रहूँगा, लेकिन जहाँ रहा सवाल मल्टी टैलेंटेड का, तो मैं मतलब ये तो मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। जैसे जब कर रहा था तो बैंड ऑफ बॉयज़ भी साथ साथ ही चल रहा था, तो ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ ये मानना है कि मैं आई डोंट वांट टू बी नोन एज एन एक्टर हु सिंग्स। मैं चाहता हूँ कि अब जैसे आप अरिजीत सिंह को जानते हैं एज ए प्लेबैक सिंगर, आप मुझे जाने कि यार ये कमी नहीं है किस तरह से, ये एक्टर नहीं जो सिंगिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये फुल ऑन एक सिंगर है। और जब मैं एक्टिंग करूँ तो कोई ये ना बोले ये सिंगर जो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरी जर्नी है, आगे देखते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट है आई एम करण ओब्रॉय, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है करण ओब्रॉय ऑफिशियल। तो जितने लोगों ने ये पसंद किया है, 500,000 लोग, और जो बाकी लोग देखना चाहते हैं, दे कैन गो एंड वॉच इट हियर। थैंक यू सो मच।